अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम 2 किलो क्रीम से मक्खन निकाल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी वीडियो में मक्खन निकालने का तरीका बताऊंगी। और ये हमने जग में क्रीम डाल ली है और हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मशीन को चला देंगे। ये देखें जी, हमारा मक्खन अब तैयार है माशाल्लाह। और अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए बस हम मशीन को चलाएंगे ताकि हमारा मक्खन अच्छे से जुड़ जाए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह, कितना अच्छा मक्खन आया है। और हम इसे डाल देंगे ठंडे पानी में। और जब तक ये हमने ठंडे पानी में डाला है, अब तक हम और मक्खन कर लेते हैं क्रीम डालकर जग में, और इसे मक्खन निकलने के लिए रख देते हैं। ये हमने क्रीम डाल दी है और अब हम इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए चला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना अच्छा मक्खन का पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। और ऐसे ही करके हमने ये सारा मक्खन इसमें से निकालना लेना है। और अब हम ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा मक्खन आ गया है। और अब हम इसमें भी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए बस चलाएंगे। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। ये देखें जी, कितना अच्छा मक्खन बनकर तैयार हो रहा है। अभी हम इसे भी ठंडे पानी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तक ये हमारा मक्खन अच्छे से ठंडा हो रहा है, तो अब हम इसे और क्रीम डालकर और क्रीम डाल देते हैं जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ भी ये भी मक्खन बना लेते हैं। ये मैंने घी नहीं बनाना, मैंने सिर्फ मक्खन ही रखना है, क्योंकि ये मक्खन मैंने अहमद के लिए बनाया है। माशाल्लाह अहमद बहुत शौक से खाता है मक्खन। बेटा और दे दो, ये आप खा लो फिर और दे दो। ये देखें जी, माशाल्लाह ये हमारा मक्खन सारा निकल के तैयार है। और इससे आप चाहें तो इससे 1 किलो से ज़्यादा माशाल्लाह घी निकल सकता है, पर मैंने घी नहीं बनाना, मैंने मक्खन ही रखना है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।